विगत देर रात 4.5 करोड़ के घोटाले के बाद दर्ज हुई एफआईआर के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने संबंधित दस्तावेजों की जांच एवं जब्त करने कॉलेज पहुंची। विंध्य क्षेत्र के सबसे पुराने महाविद्यालय ठाकुर रणवर सिंह महाविद्यालय के 3 पूर्व प्राचार्यों सहित 19 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई थी, जिस पर ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा पिछले 24 घंटे से आवश्यक दस्तावेजों की छानबीन कर जब्त करने में लगी हुई है। वहीं इस कार्यवाही में आर्थिक गड़बड़ी किए जाने की शिकायत पर कलेक्टर रिवर द्वारा टीम बनाकर जांच करवाई गई थी, जहां पर मानदेय, यात्रा भत्ता, पारिश्रमिक आदि में आर्थिक अनियमितता पाई गई थी। वहीं एफआईआर के बाद टीम को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जब्ती के लिए भेजा गया था। वहीं जब्त होने वाले दस्तावेजों को कार्यालय तक पहुँचाने 4-पहिया वाहन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। प्रस्तुत ईओडब्ल्यू के एसपी वीरेंद्र कुमार जैन से जानकारी के अंश। टीआरएस कॉलेज में तत्कालीन प्रिंसिपल श्री रामला शुक्ला एवं दो अन्य प्रिंसिपल एवं कुछ अन्य लोगों पे एफआईआर पंजीबद्ध हुई थी। उसमें टीआरएस कॉलेज से दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। दस्तावेज काफ़ी मात्रा में हैं और जब जब्त हो जाएंगे तो उसका फिर अध्ययन किया जाएगा और तदनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने करोड़ का ये पूरा मामला है? जो एडिशन डायरेक्टर उच्च शिक्षा द्वारा जो जांच की गई थी उसमें प्रथम दृष्टया उन्होंने 14 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला पाया था। अभी जो संभावना है इससे कई गुनी ज़्यादा इसमें घोटाला की संभावना है और दस्तावेज अभी पूरे जब प्राप्त हो जाएंगे तब अग्रिम कार्रवाई बताएंगे। कितने का आंकड़ा ये पहुंच सकता है? मैंने बताया कि इसमें 14 करोड़ का तो प्रथम दृष्टया इसमें एफआईआर में ही है, उससे कई गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार इसमें संभावित है और दस्तावेज अभी प्राप्त किए जा रहे हैं। सर, कितने सदस्य टीम इस पे लगी हुई है? इसमें मुख्य विवेचक के साथ हमने 7 सदस्यीय टीम लगाई है, क्योंकि उसमें टाइपिस्ट की भी आवश्यकता है और उसमें जो है वो टीम लगातार काम करती है।